Hey, what's up guys, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। तो सर, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, और इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बदौलत इंजीनियर के लिए काम करना और भी आसान हो गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ इंजीनियर या फिर कारीगर ऐसे भी होते हैं जिनकी कारीगरी देखने के बाद अब पेट पकड़ के हंसने का मन करता हो। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कारीगर या फिर उनके महान कारीगरी को दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप सच्ची में तो चलिए गाइस, आपको समय के ज्यादा खोटी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिएटिव कैसे हो सकता है? इस आदमी की क्रिएटिविटी को देखते हुए सरकार ने इसको भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, भारत के जो सबसे अमीर शख्स है मुकेश अंबानी, इनका जो घर है एंटीलिया, इस घर का तो हर कोई दीवाना है, हर कोई इस घर में रहना चाहता है, सपना देखता है इसके लिए। अगर आप भी इस घर में रहने के लिए इच्छुक हो तो हमने आपके लिए कारीगर का प्रबंध कर दिया है जो आपको बिल्कुल ऐसा घर बना देगा जैसे कि तस्वीर में देख पा रहे हो। ये कारीगर आपको बहुत ही कम पैसे में एंटीलिया से भी आलिशान घर बना देगा। जी हाँ भाई, फटाफट से इस कारीगर से कॉन्टेक्ट कर लो वरना मौका से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन घर से पढ़े सिविल इंजीनियर बने कुछ कारीगरों की वीडियो दिखाते हैं। ये चारों कारीगर मिलके एक दीवार को बना रहा था, देख के लग रहा था ये दीवार बहुत ही मजबूत बनेगा, पर लेकिन क्या, ये दीवार तो ताश के पत्तियों जैसे गिर गए। चार मिलके भी एक दीवार को नहीं समझ सके, हद है यार। गाइस, यहाँ कारीगर गड्ढे में भरे हुए पानी का लेवल चेक कर रहा होता है। जैसे पानी का लेवल थोड़ा गड़बड़ लगता है तो ये उसको ठीक करने की कोशिश करता है। इस कारीगर को अगर भारत रत्न अवार्ड भी दे दो ना तो भी कम रहेगा। दोस्त, इस अब्दुल दर्जी के मैकेनिक साहब मिली है जिसने आजू बाजू देखे भी नहीं, ऐसे जगह खंभा लगा दिया कि क्या ही बताए। इसने बाथरूम के दरवाजे के आगे ही खंभा लगा दिया, जी हाँ, जिसके वजह से बाथरूम का दरवाजे भी ठीक से खोल नहीं पा रहा। इस कारीगर को देखने के बाद अगर शाहजहाँ जिंदा होते तो सच में इसके हाथ ही काट देते, सच्ची में। दोस्तों, इस कारीगर से मिली है जिसने घर बैठे ऑनलाइन आईटीआई की होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर एक कारीगर वेल्डिंग कर रहा होता है और वेल्डिंग करने के लिए अपने सर को बाहर निकालता है, और अपने सर को बाहर निकालने के बाद वेल्डिंग करता है। जैसे ही वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, ऐसे इसको पता चलता है इसका सर दो पाइपों के बीच में आ जाती है, और देखते देखते बेचारा वहीं पर फंसा रह जाता है। अब भाई ये समझ नहीं आ रहा कि अपना सर बाहर कैसे निकालेगा। अगर दोस्तों इनके जैसे चार पाँच नमूने और आ जाए ना तो सच्ची में देश का तो कल्याण हो जाएगा। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, हंसना हमारा सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। हंसी मजाक करना हम इंसानों का फितर होता है, चाहे कोई इंजीनियर हो या फिर कोई कारीगर, वो भी हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। जैसे कि जेसी वाले भाई ने अपने दूसरे साथी के साथ किया। इसके साथ ही छोटे से तालाब के पास मजे से बैठा हुआ था, लेकिन तभी जेसी वाले भाई ने इसको स्विमिंग पूल में गिरा दिया। जी हां, पर लगता है इसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये जेसी वाले के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा करते हुए जेसीबी के बाहर ही घूम रहा होता है, क्योंकि इसे ये जानता है उसने अगर कोई हरकत किया तो जेसी वाले भाई साहब उसका बैंड बजा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने कई अब्दुल दर्जी के कारीगर से मिलवाया, लेकिन ये कारीगर भी उनसे अलग नहीं है। ये महाशय इन लकड़ियों को लगाते समय अपना सर बीच में ला देते हैं और इनका सर वहीं पे फंस जाता है। हाँ हाँ, देखो। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे काम करना यार और भी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि ये हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मशीनें आ चुकी है। इन मशीनों को देखते हुए इस कारीगर ने भी क्या गजब का दिमाग लगाया है बॉस। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भाई हम आपके लिए बहुत ही अच्छा नौकरी लेके आए हैं। जी हाँ, सच्ची बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, यह नौकरी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि नौकरी करते वक्त आप ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपका संतुलन बिगड़ा तो आप नीचे नहीं सीधा ऊपर चले जाएंगे। वैसे आप इनसे कौन करना चाहेगा नौकरी? कोई नहीं तो सब्सक्राइब करके जाओ।